कि वो अपनी अपनी केस पे खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज हिंदुस्तान की आज़ादी की 76वां सालगिरह पर आप तमाम को दिल की अमंग गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। यूमे आज़ादी भारत में हर साल 15 अगस्त को बड़ी जोश व खरोश से मनाया जाता है। सन 1947 में इस तारीख को हिंदुस्तान ने एक तवील जदोजहद के बाद आज़ादी हासिल की है। ये तारीख आज़ादी हिंद का नतीजा थी। इस जदोजहद में हर किसी वफा किसी ने अपना तावन पेश किया है और हिंदुस्तान को आज़ादी की नियामत अता की। मेरे अजीज हम वतनों, 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में वाके लाल किले के लाहौरी दरवाजे पर अपना इस दिन हर साल मुल्क भर में रहने वाले हर मजहब मिलत के लोग बिना एनसीसी का दस्ता मंच के सामने से गुजर आए हैं, जिसकी क्यादत मोहम्मद आसिफ कर रहे हैं। पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन धन्ना मंडी के बच्चे मंच के सामने से सलामी के लिए गुजर रहे हैं। इसके बाद का दस्ता ग्लोबल एजुकेशन मिशन स्कूल थाना मंडी, जो आपके सामने से अभी गुजर रहे हैं। पब्लिक स्कूल दरागा है, ये बच्चे एक पिछड़े हुए इलाके से थाना मंडी के बॉर्डर के ऊपर लुकेट है। वहां से सलामी के लिए आपके मंच के सामने से गुजर रहे हैं। पहला दस्ता इलाका में ये स्कूल रन कर रहे हैं। कंटिजेंट का दूसरा दस्ता ग्लोबल एजुकेशन मिशन स्कूल थाना मंडी का है और इसके साथ अगला स्कूल
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन थन्ना मंडी का अध्यक्ष और इनके साथ हमारे एनसीसी के कैडेट की क्यादत आसिफ जो एनसीसी के नस्ल परचम कशाई की रस्म में हिस्सा लेकर अपने हम वतनी का सबूत पेश करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज़ादी हमें आसानी से हासिल नहीं हुई, इसको हासिल करने में हमारे अजीज रहनुमाओं ने अपनी जानी जानों का नजराना पेश किया। आज मैं इस मुबारक मौके पर इन तमाम रहनुमाओं और शहीदों को खराज अकीदत पेश करती हूँ, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में हम आज आज़ाद मुल्क में बड़े अमन व अमान के साथ रह रहे हैं। मैं आज के मौके पर अपने उन सिपाहियों को जिंदाबाद कहती हूँ जो अपने घर से हजारों मील की दूरी पर वतन की हिफाजत के लिए सरहदों पर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबां है आंखें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया, अदाब। और इसी के साथ मैं इन जो गांवों से नन्हे मन्ने बच्चे आए हैं, इन सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ आके इस फंक्शन को और ज्यादा खूबसूरत बनाया। और बाकी जितने भी यहाँ पे हमारे पंच सरपंच, इस कॉलेज का स्टाफ, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स, मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इस बारिश में आके हमारा स्वागत किया। शुक्रिया। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी, लिव द ड्रीम।